भैया के दुकान में हम चाट के प्लेट धोनी है, जे कुछ हमरा के ना करे के चाहिए हम सब कहेंगे है। काहे से कि हमरा के सिंगर बने के रहे, हमारे को जीवन रहे, सपना रहे कि हम वो स्थान पर पहुंची, लेकिन हमरा के हमसे जे कुछ ना करे के चाहिए हम सब कहेंगे है। अच्छा, चाट के दुकान में जाकर के चाट के प्लेट धोनी है। भैया हम गायक सूरज राज, हम आसनसोल बंगाल के रहे वाला बानी। आप सब सभी भोजपुरी सुनने वाले तमाम भोजपुरिया समाज के गोर छूकर के गोर लगातानी, आपका आपका बहुत धन स्वागत है धुन म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आप हम जानना चाहेंगे कि आप बंगाल का होकर, वेस्ट बंगाल का होकर, आप भोजपुरी में इतना कैसे रम गए? भोजपुरी में हम ऐसे रम गए कि क्योंकि मतलब मैं बचपन से ही एक लक्ष्य बना लिया था कि पढ़ाई मेरा लक्ष्य रहेगा और संगीत को मैं दिल से अपना जीवन इसे मानता हूँ। सूरज जी, आपने अभी थोड़ा देर पहले हमसे, अभी जब स्टूडियो आप आया थे तो आप हमको ये बता रहे थे कि आपके साथ एक बहुत बड़ा घटना हो गया था जिसके चलते आपका घर बिखर गया, आप बहुत आर्थिक स्थिति खराब है, वो क्या हुआ था आपके साथ? जी भैया, बहुत पहले कुछ बात घटना घटल रहे हमारे संगे। बात कुछ ऐसा रहे कि आज से ठीक 7-8 महीना पहले, साल भर के बाद था, पुराना हो गई ना, हमारा के कुछ लोग है जो कि अपना चंगुल में फंसौले रहस, हमरा से झूठ बोल के दो बार हमरा से बोला करके पैसा लिहल गई और बोला सा कि तारा की स्टार बना दे, यहाँ पहुँचा दे, वहाँ पहुँचा दे, लोग तारा के जन यस। उहे हमारे दिल में एगो बहुत बड़ा सपना रहे कि ना हमू बड़ सिंगर बनी, तो ओकरा बात में आकर के हमू दो बार पैसा लगेनी है। तो आप क्या बता सकते हैं दर्शकों के, आपके उन लोगों ने कितना रकम आपसे, कितना पैसा ऐठा? करीबन भैया वही 30-35 हजार के लगभग में हमरा से पैसा लिया। एक गाना के लिए? एक गाना, कम से कम दो गाना के। और यह कही गई कि हमरा के स्टूडियो बुला करके रिकॉर्डिंग करवा लिया गई और हमारे मोबाइल में व्हाट्सएप पर गाना रिकॉर्डिंग करके सिर्फ भेज दिया गया भैया, और कोनो वेबसाइट से ना कोनो यूट्यूब पे छोड़ दो, सब पैसा के पैसा एक बार से दो बार हमारा से लिए ले लो। अच्छा, तो आप ये जो 30,000-35,000 जो भी घर से लाए, वो आप कैसे पैसा इंतजाम कैसे किए थे भैया? एक पीछे तो बहुत बड़ा हमार, सबसे पहले तो हम जब ये चीज के सुननी है तो सबसे पहले हमारे पास पैसा नहीं खेल रहा था। हमारे बाबू जी हमरा के खूब मेहनत से बहुत कुछ काम कर के हमरा के पढ़ेलो सा, पर हमारे बाबू जी के एकरा में कोनो सहयोग नहीं खेल रहा, क्योंकि काहे कि हम बहुत छोट फैमिली से बानी, बहुत छोट, बहुत गरीबी में जीवत आनी जा। हमारे घर के बगल में एगो पूजा होकत रहे, तो वही में से हम चाट के दुकान में जा करके भैया के बोले कि भैया हमारा के कोनो काम दे दो दुकान में। भैया के दुकान में हम चाट के प्लेट धोनी है, जे कुछ हमरा के ना करे के चाहिए हम सब कहेंगे है। काहे से कि हमरा के सिंगर बने के रहे, हमारे को जीवन रहे, सपना रहे कि हम वो स्थान पर पहुंची, लेकिन हमरा के हमसे जे कुछ ना करे के चाहिए हम सब कहेंगे है। अच्छा, चाट के दुकान में जाकर के चाट के प्लेट धोनी है। आप गाना निकालने के लिए आपका सर पे इतना जुनून था कि आपने ठेला पे प्लेट का चाट भी धोया, मतलब प्लेट भी धोया, प्लेटो धोनी है, माथा में झोला तोड़ा सब धोनी है भैया। तो आपका जब पापा मम्मी लोग जानेंगे, भाई लोग जानेंगे, तो आपको उन्होंने डांटा नहीं होगा कैसा काम कर रहे हो गाना गाने के लिए? भैया हमारे घर में तो सबके आशा रहे कि हमारा बेटा भाई जे है सिंगर बनी कल दिन, वो सब सपना के देख करके हमारा के जावल दिया था, लेकिन वो थोड़ी ना जानत रहे कि एक साथ ऐसा घटना भी घटी। तो आज आप उस उतना मोटा रकम, आपके लिए तो बहुत बड़ा, एक गरीब आदमी के लिए 30,000-35,000 बहुत मायने रखता है। जी, तो जी। आपका जब 35,000 वो नुकसान हो गया और उसके बदले में आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, तब तो आपका आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया होगा। भैया हमारा आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ साथ भी हम अगर मार्केट जात रहनी तो हमारे संगतिया सब जो हमारे संगे पढ़त रह सब हमारा के चिढ़ावत रह सब हमारा धिकारत रह और हमरा के बहुत वह सब देख करके काफी ज्यादा हमारे दिल में तकलीफ पहुंचल, बहुत ज्यादा खराब लगल। ये सब घटना जब हमारे साथ भइल तो हम 10-15 दिन खाना भी नहीं खेली रहे और प्लस बीमार भी भगल रही।